तो आज की वीडियो में हम लोग आपको बनाना सिखाएंगे ब्राउनी। ब्राउनी के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ें चाहिए। सबसे पहले हम लोगों ने शुगर ले लेनी है। अगर शुगर आपके पास पीसी हुई अवेलेबल है बाज़ार से तो ठीक है, वरना उसको आपने क्रश कर लेना, जो कि मैंने कर ली है। तो व्यूवर्स, ये एक कप शुगर है पीसी हुई। इसकी रेसिपी ऑलमोस्ट केक जैसी है, लेकिन थोड़ी सी इसमें चेंजिंग है। ये मैंने एक शुगर ले ली है, शुगर को क्रश कर लेना है, यानी पाउडर बन जाए इसका। एक कप चीनी के बाद हम लोगों ने हाफ कप है जो वो मैदा ले लेना फ्लोर, ठीक है। उसके बाद यही हाफ कप हमने कोको पाउडर लेना है। तो ये हाफ कप हमने कोको पाउडर ले लिया है। इसके बाद हमने लेना है 2 टेबल स्पून है जो हमने बेकिंग पाउडर, हम लोग बेकिंग सोडा ले लेंगे। इसके अलावा हम इसमें ऐड करेंगे 3 एग। तो इसमें 3 एग ऐड कर लेते हैं। ये हमारे 3 एग ऐड हो गए हैं। अब हम इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेंगे। फिर इसके साथ ही हम इसमें दूध जो कि हमने लेना है 1/4 कप, यानी हाफ कप से थोड़ा ज़्यादा और पूरे से कम। और साथ में इसमें हमने ऑयल ऐड करना है, वो हम करेंगे सिर्फ हाफ कप, यानी जितना हमने इसमें मैदा लिया है। इसमें सबसे ज़्यादा जो हमने यूज़ किया वो शुगर थी। और इसको अब अच्छे तरीके से हमने मिक्सअप कर लेना है ताकि इसमें कोई गुट्टी वगैरह ना बने। और दूध भी इसमें साथ ही ऐड कर लेते हैं ताकि इसका मटेरियल है जो वो आसानी से और अच्छा बन जाए। लेंगे हम लोग हाफ कप है जो दूध, और हाफ कप से थोड़ा सा हमने ज़्यादा ऐड करना है इसमें दूध। तो अब इसको मिक्सअप कर लेते हैं। थोड़ा जो दूध है उसको मैं दोबारा ऐड करती हूँ, और साथ इसमें हमने जो ऑयल है वो भी ऐड करना है। तो इसमें जो हाफ कप से थोड़ा कम ही हमने ऑयल या घी वगैरह बटर वगैरह भी आप ऐड कर सकते हैं। और इसको आप ज़्यादा यमी बनाने के लिए हम इसमें चॉकलेट भी ऐड कर सकते हैं। आज हम इसमें चॉकलेट ऐड नहीं करेंगे क्योंकि पहले हम इसको सिंपल बनाना सीखेंगे। नेक्स्ट हम इसको न्यूट्रेला और डेरी मिल्क वगैरह के साथ भी इसका बहुत अच्छा जो कम्बिनेशन है वो आता है। तो इसमें जो जो इंग्रेडिएंट्स मैंने ऐड किए हैं मैं आपको दोबारा बता देती हूँ। सबसे पहले इसमें क्रश की हुई शुगर, उसके बाद हमने हाफ कप मैदा, हाफ कप कोको पाउडर, और 1/2 टेबल स्पून है जो हमने इसमें बेकिंग सोडा लिया था, 3 अंडे लिए थे, और उसमें हाफ कप हमने इसमें दूध लिया और हाफ कप हमने इसमें ऑयल लिया। तो अब हम इसको बेक करेंगे। पहले आपने ओवन को प्री हीट कर लेना। प्री हीट करने के बाद हम इसको 150 सेंटीग्रेड पर 10 मिनट्स के लिए बेक करेंगे। तो पहले हम लोग इसको बोल ले के, तो उसको मैं कर लेती हूँ बटर पेपर लगा के, तो ऑयली कर लेती हूँ, और उसके बाद ये मटेरियल उसमें डाल के तो उसको मैं बेक करूँगी। इसको अब हम लोग हल्का सा ग्रीस कर लेंगे ऑयल के साथ, ताकि जो हमारा केक है वो इसके साथ ना लगे, सॉरी ब्राउनी है जो, उसमें हमने हल्का सा कर लेना ग्रीस। अगर आपके पास स्टेनलेस स्टील का बोल हो तो वो भी ठीक है, अगर वो अवेलेबल ना हो तो आप लोग इस तरह भी कोई स्टील का बोल वगैरह लेके तो यूज़ कर सकते हैं। और अगर इसको प्रेशर में आपने बनाना है, प्रेशर कुकर में, तो आपने इसके क्या नाम देते हैं 10 मिनट के लिए प्रेशर कुकर को प्री हीट करके, तो इसको 30 मिनट के लिए ना उसमें करते हैं बेक। ये हमने इसको कर लिया, ऑयली ग्रीस कर लिया। अब मैं इसमें अपना मटेरियल डाल दूँगी सारा, और इसको बेक के लिए रखूँगी। तो इसको मैंने ग्रीस कर लिया। अब जो मैंने अपना मटेरियल है वो आप देख सकती हैं कि अच्छे से बन गया हुआ, बीच में बिल्कुल गिल्टी वगैरह आई है, उसमें कोई भी नहीं बनी हुई। तो अब हम इसमें इसको निकाल लेंगे इसमें। तो बोल को अच्छे तरीके से हमने साफ़ कर लेना। अगर चाको चिप्स आप इसमें ऐड करना चाहें, या इसके अलावा कोई भी इंग्रेडिएंट्स या मेवा जात वगैरह, तो ड्राई फ्रूट वगैरह, तो आप इसमें कर सकते हैं। तो इसको अब मैं बेक कर दूंगी। ओवन है जो प्री हीट हो चुका है,
उसको मैंने 20 मिनट्स के लिए बेक करना है 150 सेंटीग्रेड ग्रेड पर। और अगर आपका ओवन प्री हीट नहीं तो फिर ये 20 मिनट्स के लिए होगा, अगर प्री हीट होगा तो फिर इसको सिर्फ 15 मिनट्स की ज़रूरत होगी। हम लोग चेक कर लेंगे, चेक किस तरह करना है कि इसमें हम लोगों ने यूं से फोक डिप करके देख लेना है। तो ये देखें फोक है जो उसमें केक का मटेरियल लग गया है, का मतलब कि अभी तक हमारा बेक नहीं हुआ, तो इसको हम थोड़ा ज़्यादा टाइम लगेगा। गाइस ये हमारी ब्राउनी रेडी हो चुकी है, इसको ये देखें फोक को हमने एंटर करके तो ये बिल्कुल अब की बार ड्राई निकला है। तो आपने इसको अगर पैन वगैरह में करते हैं तो बाजू का टेम्परेचर का थोड़ा बहुत कम या ज़्यादा हो जाता है, तो आप इसको चेक कर सकते हैं। अभी मैं आपको इसको हाफ़ करके भी दिखाती हूँ कि ये बीच में से भी कितनी अच्छी बनी है।